आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट बाय नोइंग इट्स एटॉमिक नंबर। एग्जाम में एटॉमिक नंबर गिवन होता है, एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई करना होता है। एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर उसको ब्रेकअप करते हैं कोर और वैलेंस में, और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं कि एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड क्या होगा। यस, एग्जांपल देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट फास्फोरस 15। हम एक एलिमेंट की मिसाल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। 2p6 तक कोर इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन, और 3s2, 3p3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले ब्रेकअप करते हैं कोर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ये इस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s2, 3p3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी से हम मालूम कर लेंगे कि इस एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, मैं दोबारा बता रहा हूं, 3s2, 3p3 आर यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। सिर्फ यही इस्तेमाल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए। इसलिए लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये टॉपिक कवर किया था जिसमें कोर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था। सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड कहते किसको है? मैक्सिमम प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर। इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन का जो मैक्सिमम प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर जो है वो 3 है। शोज द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज थर्ड पीरियड। प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू इस एलिमेंट का पीरियड बता रहा है हमें। नाउ ब्लॉक, वैलेंस सब एनर्जी लेवल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल, यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल 2 हैं, sp और pb है। ब्लॉक की पहचान जो होती है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, वैलेंस सब एनर्जी लेवल p3 शोज द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज p ब्लॉक। इसलिए हम इसको p ब्लॉक कह रहे हैं। पीरियड और ब्लॉक हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट थिंग इज ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। ग्रुप किसे कहते हैं? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम। एस के 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सम करें, 2 + 3 इज 5, सम 5 आ रहा है, तो ये एलिमेंट ग्रुप 5 का होगा। और इस एलिमेंट का सब ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। ग्रुप नंबर जो है वो सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो सब ग्रुप है वो ब्लॉक से मालूम होता है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट सब ग्रुप ए में आते हैं। अगर ये डी ब्लॉक होता, अगर इस एलिमेंट का ब्लॉक डी होता तो ये सब ग्रुप बी होता। हमने पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप जब फाइंड आउट कर लिए तो इस एलिमेंट की पोजीशन जो है वो हमें मालूम हो गई है। ये पीरियोडिक टेबल है, इसकी थर्ड रो में ये एलिमेंट पाया जाएगा। इस थर्ड रो के किस कॉलम के अंदर? 5a, 5a कॉलम है और थर्ड इसकी रो है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पे ये एलिमेंट प्लेस होगा, ठीक है।
और ये जो ब्लॉक पिंक कलर का बना हुआ है ये कौन सा है? ये पी ब्लॉक है। तो हम ये कह रहे हैं द एलिमेंट बिलोंग्स टू फिफ्थ ए ग्रुप पी ब्लॉक एंड थर्ड पीरियड। इसी की एग्जाम्पल से और लास्ट क्लास के कोर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से आपको हर एलिमेंट की पोजीशन अब फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। कोई एटॉमिक नंबर बताइए। और उसकी पोजीशन, उसकी पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को यही फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी एक मिसाल दे दीजिए, कोई एक एटॉमिक नंबर बताइए मुझे। ब्लॉक के बारे में शहजाद मैं ये कह रहा था, ब्लॉक के बारे में कि ब्लॉक जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आता है। इस एलिमेंट के 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 15 है। 15th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर हुआ है? पहला इलेक्ट्रॉन किस में आया है? एस में। दूसरा भी किस में आया? एस में। थर्ड किस में आया? 2s में। फोर्थ 2s में। यूं इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने पुट किया होगा जिस ऑर्बिटल में, वो उसका ब्लॉक होगा। या तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया होगा, पी में आया होगा, डी में या एफ में आया होगा, तो ये उसका ब्लॉक हो जाता है। यस मेरे पास तीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, एटॉमिक नंबर 47, 38, 29। मैं तीन को समझाकर फिर आप प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। हम इन तीन को ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 47, एटॉमिक नंबर 47 की हम बात कर रहे हैं। एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। एटॉमिक नंबर इज 47। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p6। ये 36 इलेक्ट्रॉन्स मैंने अरेंज कर दिए, तो रिमेनिंग कितने हैं? अभी 11 है। इसके बाद आता है 5s2। अब रिमेनिंग कितने हैं? 9 है। अब क्या होगा? 4d9। तो आपको याद है कि d9 नहीं होगा बल्कि 5s का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ये मैं जानबूझ के लिखता हूं क्योंकि जाहिर है हमने रटा नहीं होता है, मुझे पता था कि इसमें 4s1 और d10 होना है, लेकिन मैं खुद इसको कर रहा होता हूं। तो हमने यहां देखा कि d9 आया तो 4s का इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करेंगे। 4s का इलेक्ट्रॉन 1 रह जाएगा और d क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके कोर इलेक्ट्रॉन मार्क कर लें। कोर इलेक्ट्रॉन इज अप टू द लास्ट p6, ये मार्क कर दिया हमने। अब ये रिमेनिंग जो है वैलेंस है, 4d10 आर ऑल्सो कोर इलेक्ट्रॉन, वो भी मार्क कर दिए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? कॉन्फ़िगरेशन इसे क्या होगा? नोबल गैस क्रिप्टॉन, 4d10 और साथ में क्या लिखेंगे? 5s1। सबसे पहले इसका पीरियड बताइए। पीरियड, तो पीरियड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं इसको मार्क कर दूं कि ये इस एलिमेंट का पीरियड होगा। तो ये एलिमेंट जो है फिफ्थ पीरियड में पाया जाएगा। ये फिफ्थ पीरियड है, ये इसका पीरियड होगा। ग्रुप कौन सा होगा? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली वन। ये ग्रुप वन में होगा, वन में। इस एलिमेंट का ग्रुप वन है। अब वन ए है या वन बी है, तो ये देखना कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया। आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये 5s में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुआ था,
ये 5s तो 4d से पहले फिलअप हुआ था। इस 5s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d9 में जाकर उसको d10 कर रहा है, तो d9d में नाइन्थ इलेक्ट्रॉन जो आया था वो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, तो d में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया था, तो मैं इसलिए कहूंगा इसका सब ग्रुप कौन सा होगा, b। तो ये एलिमेंट फिफ्थ पीरियड फिफ्थ रो का, और सब ग्रुप कौन सा उसका, 1b। ये यहां का एलिमेंट है, यू हमने इसका पीरियड और ग्रुप निकाल लिया। और इसका ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया है। ये मिस्टेक नहीं करनी कि 5s आखिर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आने को नहीं देखें, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी थी तो उसमें आपने किसको लास्ट में लिखा था, ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट कहाँ इलेक्ट्रॉन आया था, 4d में आया था। तो ये एलिमेंट डी ब्लॉक होगा, 1b इसका ग्रुप होगा और फिफ्थ पीरियड होगा। इसके बाद मुझे कहा गया कि एक एटॉमिक नंबर 38 को सॉल्व करके बता दीजिए। एटॉमिक नंबर है 38। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। ये 36 इलेक्ट्रॉन तो मैं लिख चुका हूं। इसके बाद नए 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है ना, तो आप क्या लिखेंगे, 5s2 ये लिखेंगे आप। अब इस एलिमेंट के कोर इलेक्ट्रॉन्स को मार्क कर लें। कोर इलेक्ट्रॉन मैं कहता हूं कि आसान है कि लास्ट p6 तक होता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन, और वैलेंस क्या है, 5s2। सबसे पहले इसका पीरियड मार्क करें, ये एलिमेंट भी फिफ्थ पीरियड का है। पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो 5 है, तो ये एलिमेंट भी फिफ्थ पीरियड में होगा। एटॉमिक नंबर 38 कहाँ आएगा, फिफ्थ पीरियड में आएगा। ग्रुप कौन सा होगा, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये एलिमेंट ग्रुप 2 का है। सब ग्रुप कौन सा होगा, ए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन 5s में आखिरी इलेक्ट्रॉन आया है, तो s ब्लॉक की वजह से सब ग्रुप क्या होगा, ए। तो 2a इसका कॉलम है और फिफ्थ इसका पीरियड है, तो ये एलिमेंट यहां पे प्लेस किया जाएगा। एस ब्लॉक में से फिफ्थ रो और 2a कॉलम में ये एलिमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 29। एटॉमिक नंबर 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। ये कॉपर है, तो हमने 36 को तो फर्स्ट में किया हुआ है, इसलिए ये तो रटा हुआ है हमें, कॉपर है। 29 इज कॉपर, और कॉपर एक्सेप्शनल केस है, d9 नहीं बल्कि d10 होता है, 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आकर d10 करता है उसको। अब इसके कोर इलेक्ट्रॉन पहले मार्क करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन 3p6 तक है, आर्गन 3d10, आर कोर इलेक्ट्रॉन, d10 भी कोर होता है, क्या रिमेनिंग बच गया, 4s1। ये इसका वैलेंस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, फोर्थ इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो ये फोर्थ हम कह रहे हैं फोर्थ रो का एलिमेंट है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 1। सब ग्रुप क्या होगा, बी। बी क्यों होगा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर देखें कॉन्फिगरेशन, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया था, d10 कंप्लीट होने की वजह से वो इनर इलेक्ट्रॉन्स में शामिल हो गया, मींस अब वो इनर्ट हो गया है, वो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं।
तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में है, तो इसलिए सब ग्रुप क्या होगा, बी होगा, 1B। ये हमारा कॉलम 1B का है, फोर्थ पीरियड और 1B, तो ये एलिमेंट यहां प्लेस होगा कॉपर। अब ब्लॉक कौन सा इसका, डी है। अब इसमें प्रैक्टिस आपको खुद करना है, एटॉमिक नंबर लीजिए और कॉन्फिगरेशन लेने के बाद ब्रेकअप कीजिए, और उसके बाद देखिए कि एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कौन सा होगा। ये एग्जाम में सवाल आता है, कॉन्फिगरेशन के दो क्वेश्चन होते हैं, राइट डाउन द वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन ऑफ 3B। इस ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो मैंने हर ग्रुप की कॉन्फिगरेशन लिखवाई थी, इसका वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन है NH2 N-1 D1। एक सवाल ये होता है और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना होता है एटॉमिक नंबर के जरिए। ठीक है, ये एक अहम टॉपिक था जो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम बात करेंगे, तीन टर्म्स हैं उस पर हम बात करेंगे। एक ग्रुप के एलिमेंट्स प्रॉपर्टी में सिमिलर होते हैं, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक ग्रुप के एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ रहा होता है, फिजिकल में प्रॉपर्टीज में, साइज में आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड्स। एक पीरियड के एलिमेंट्स में जब लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती, कौन सी, केमिकल नहीं होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रहा होता है उसको पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए तीन हमारी टर्म्स हैं, पीरियोडिसिटी, ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब इन टर्म्स को हम समझेंगे। फर्स्ट इस पीरियोडिसिटी, हम पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक ग्रुप में एलिमेंट रिपीट होते हुए नजर आते हैं, एक कॉलम के एलिमेंट्स की बात हो रही है, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का रिपीट होना विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वही प्रॉपर्टी रिपीट करता है सोडियम, कब करता है, आफ्टर एन इंटरवल और अ पीरियड, एक वक्फे के बाद वो रिपीट करता है, इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। कुछ वक्फे और पीरियड के बाद इन अ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स रिपीट होते हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये क्या सबब होता है कि एक ग्रुप के एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर होते हैं, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस, सेम नंबर ऑफ वैलेंस, उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। अभी हमने दो एटॉमिक नंबर सॉल्व किए थे, 47 और 29, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे, दोनों का ग्रुप एक ही था, तो पीरियोडिसिटी का सबब उन एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसा होना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों अल्कली मेटल्स अगर हैं, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, तीनों कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या कॉज क्या है कि तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। लिथियम ड्यूरिंग रिएक्शन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम भी यही करेगा, इसलिए लिथियम और सोडियम का केमिकल बिहेवियर सेम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A एलिमेंट्स की बात करते हैं, ग्रुप 1A एलिमेंट, ग्रुप की ये कॉन्फ़िगरेशन है NS1, ये ग्रुप की है, और ग्रुप के तमाम एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इसको फॉलो करेगी। अगर N की जगह मैं फर्स्ट वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1s1 इज अ हाइड्रोजन,
जब यहाँ एन की जगह वैल्यू टू लूंगा तो ये हाईएस्ट वैल्यू होगी लिथियम की, 2s1 लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं H3 लिखता हूं तो फिर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे, सोडियम के हो जाएंगे। 4 लिखता हूं पोटेशियम हो जाएगा। तो एक ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। कौन सी? जैसे ग्रुप 1A दे पजेस फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट 1, ग्रुप 1A के एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट फिक्स्ड है। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एक ही लूज करेंगे क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है उनके पास। इलेक्ट्रॉन लूज करने वालों को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरी बात यह है कि देयर ऑक्साइड्स आर अल्काइन इन नेचर। इन एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या है? अल्काइन इन नेचर। ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स अब मैंने यहां लिख दिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। आप इन सब में देखें क्या चीज कॉमन क्या है। S1 कॉमन है, S1 2 3 4 5 6 तो वेरी कर रहा है। ये 2 3 4 5 6 इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। लिथियम के 2 ऑर्बिट्स हैं, सोडियम में 3 ऑर्बिट्स हैं, पोटेशियम के 4 ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उन ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, वो सिमिलर हैं। इसलिए ये प्रॉपर्टी में सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है हमें ग्रुप ट्रंड्स। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक यही होगा। ग्रुप ट्रंड ट्रंड्स की ऐसे डेफिनेशन बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन ग्रुप ट्रंड्स हम स्टडी करेंगे कि हम लिथियम टू सीजियम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि लिथियम के पास 2 ऑर्बिट्स हैं और सोडियम के पास 3 ऑर्बिट्स हैं, तो साइज में चेंज आ गया ना। ये 2 ऑर्बिट्स हैं और ये 3 ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट का और इजाफा कर ले तो साइज और बड़ा हो जाएगा। तो विद इन अ ग्रुप जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इस वजह से प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही होती हैं, ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज का वेरी करना, साइज इंक्रीज हो रहा है, हर चीज इंक्रीज नहीं हो रही होगी। अगर मैं अब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूं तो सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू थर्ड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में शील्डिंग इफेक्ट कम है और थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। ये रीजन जो है ये चैप्टर नंबर 3 में एस ब्लॉक के ये एलिमेंट जब पढ़ेंगे वहां पे हम तो रीजन मान लेंगे। अभी तो हम सिर्फ इस टर्म को समझ रहे हैं ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं। मैंने कहा साइज क्या हो रहा है इंक्रीज और आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल वो हो रही है डिक्रीज। तो बास प्रॉपर्टीज क्या होंगी, विद इन अ ग्रुप इंक्रीज हो रही होंगी और बास प्रॉपर्टी डिक्रीज भी हो रही होंगी। तो इसलिए डेफिनेशन क्या होगा, अ ग्रेजुअल वेरिएशन। वेरिएशन प्रॉपर्टी में क्या होगा, इंक्रीज का भी होगा डिक्रीज का भी होगा। अ ग्रेजुअल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप विद द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मैं एलिमेंट को स्टडी करता हूं इन अ सेम ग्रुप, तो एक प्रॉपर्टी खास कोई भी ले लो साइज तो वो आपको चेंज होता हुआ नजर आता है, इसे हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड्स। यहाँ ग्रुप ट्रेंड्स की मैं जो मिसाल दूंगा, मैंने यहाँ पे साइज की मिसाल दी है, अभी आपको आईपी की दी है। कई फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, डेंसिटी होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज इस एस ब्लॉक की इन डिटेल हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में और वो सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। यहां जो मैंने मिसाल दी है डेफिनेशन इसके अंदर वो नेचर ऑफ एलिमेंट की दी है।
जिसे मैं कह रहा हूं एज वी मूव टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। एक ग्रुप के बॉटम का एलिमेंट ज्यादा मेटालिक होता है। ग्रुप वन ए में आप कहेंगे सर ये सारे मेटल्स हैं, इन सब में मेटालिक नेचर किसकी ज्यादा है? सो मेटालिक नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन, सारे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि इन सब में आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जो बॉटम का होगा, इसलिए वो मोर मेटालिक होगा। तो हम कह रहे हैं एज वी मूव टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ग्रुप ट्रेंड्स क्यों पाया जाता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये वेरिएशन क्यों आ रहा है इनके अंदर? क्योंकि इनके एनर्जी लेवल्स में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है। लिथियम के कोर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है और सोडियम के कोर इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, या 1s2 है या 1s2 2s2 2p6 है। तो कोर इलेक्ट्रॉन चेंज होते जा रहे हैं, तो ये कॉज होगा। तो मैं ये कह रहा हूं एज यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अगर हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, मीन्स कोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए इंक्रीज हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, विच कॉज द ग्रुप ट्रेंड्स, जो सबब बनता है ग्रुप ट्रेंड्स का। जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी, तो मैं एक और ग्रुप को यहाँ पे मेंशन करता हूँ 5A। इस 5A ग्रुप में आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं 5, इनमें ट्रेंड देखिए नेचर का, सिर्फ नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज अ गैस नॉन मेटल, फास्फोरस इज अ सॉलिड नॉन मेटल, आर्सेनिक इज अ मेटलॉइड सेमी मेटल हो गया, स्टीबियम या एंटीमनी इज अ मेटलॉइड, बिस्मिथ इज अ मेटल। तो टॉप का एलिमेंट नॉन मेटल है और बॉटम का एलिमेंट क्या है? मेटल है। टॉप के एलिमेंट में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम होते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, बॉटम के एलिमेंट के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा होते हैं, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाएगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? वीक होगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो ये मेटालिक नेचर होती है इलेक्ट्रॉन निकलना। तो ग्रुप ट्रेंड्स को मैं चैप्टर नंबर 3 में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, अ ग्रेजुअल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन अ सेम ग्रुप विद द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। और कॉज मालूम होना चाहिए, कॉज क्या है? मैंने बताया कॉज क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या कोर इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अगर ये ट्रेंड पाया जाए पीरियड के एलिमेंट्स में, तो उसको पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। ये ग्रुप है, यहाँ अगर पीरियोडिक ट्रेंड्स आगे लिखा जाए तो यही डेफिनेशन होगी। बस लव्स ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा? पीरियड आ जाएगा। अ ग्रेजुअल वेरिएशन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन अ सेम पीरियड विद द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड। यही चीज जो ग्रुप ट्रेंड अभी हमने समझा, अगर ये पीरियड के एलिमेंट में हो तो वो पीरियोडिक ट्रेंड कहलाएगा। देखो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, वही बात रिपीट की ना, अ ग्रेजुअल वेरिएशन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द सेम पीरियड विद द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स। मिसाल के तौर पे As we move across a period, metallic character changes into non-metallic. अगर मैं left to right move करता हूँ किसी भी row में, तो मैं nature of the element को change होता हुआ पाता हूँ कि metal changes into non-metals. ये एक second row है और उसके 8 elements मैंने लिख दिए। First element is a alkali metal, second is a alkaline earth metal, third is a metalloid semi-metal.
फोर्थ इज अ नॉन मेटल, फिफ्थ इज अ गैस, सिक्स इज अ गैस, सेवन गैस और लास्ट वन इज अ इनर्ट गैस। तो ये नेचर चेंज हो रही है। इसके अलावा अगर आप साइज जाएं, साइज डिक्रीज हो रहा होगा, आप आयनाइजेशन पोटेंशियल पे जाएं तो वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है इन अ पीरियड। तो ये ऐसा क्यों है, क्यों चेंज हो रही होती है? तो कॉज क्या है पीरियोडिक ट्रेंड का? हमें तीनों का कॉज मालूम होना चाहिए। पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप ट्रेंड का कॉज क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। पीरियोडिक ट्रेंड में सबब क्या है? नेचर चेंज होना, प्रॉपर्टीज चेंज होना, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देयर इज अ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हिच कॉज द पीरियोडिक ट्रेंड। इन एलिमेंट टू एलिमेंट जो वेरिएशन आ रहा है प्रॉपर्टीज में, वो इनका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है, एक का इजाफा किया तो बेरिलियम का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया। न्यूक्लियर पावर बेरिलियम के लिथियम से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 3 प्रोटॉन्स है या 4 है, फिर 5, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8, 9, 10, इसे हम न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। यू हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है और ये कंप्लीट चैप्टर आपके टेस्ट में आएगा। सारे एमसीक्यूज भी इसमें से होंगे और थ्योरी भी यहीं से आएगी। ठीक है, एक टेस्ट मंडे को है और एक ट्यूजडे को है, और ट्यूसडे को फिजिकली आपने आना है। कल हमने टाइम टेबल और उसके टाइमिंग भी शेयर किया आपसे, और मंडे को आपकी नई क्लासेस शुरू हो रही है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश और उर्दू की। मैंने सब व्हाट्सएप पे हमने शेयर कर दिया है, अगर कोई बात हो तो आप एडमिन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर वन बेटा हमारा मुकम्मल हो गया है, अब इसको याद रखना है। हम अब बात करेंगे चैप्टर नंबर टू की। चैप्टर नंबर टू एक आसान चैप्टर है, किसी और को कोई सवाल करना है वो पूछ सकते हैं। ये जो आपका क्या नाम है एमसीक्यूज है नोट्स में, थोड़ा टाइम देता हूं कि भाई उसको तो खुद करना है। आंसर देने से लर्निंग खत्म हो जाती है। खुद दें, टेस्ट तक दें उसको, टेस्ट के बाद उसको शेयर कर देंगे। उसमें कुछ जो है वो जनरल क्वेश्चन है जो नाइन्थ और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पे बेस कर रहे होते हैं। असल में सेकेंड ईयर में आके थोड़ा और डिफिकल्ट क्यों कर देता हूँ, क्योंकि आपको इसके बाद जो अटेम्प्ट करना है ना बेटा, वो नॉलेज बेस्ड टेस्ट है। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है तो वो नॉलेज बेस्ड होता है। तो कितनी चीजों को याद रखा हुआ है, कितनी चीजों को याद रखते हो, क्या क्रिटिकल थिंकिंग करते हो या नहीं करते हो, तो इसलिए उसको बेटा आप करें, वरना ये हैबिट आपकी डेवलप नहीं होगी। आप उसको ट्राई करें, थोड़ा टाइम दें, एक टेस्ट भी दे दें। इस टेस्ट के बाद जो है आप मुझे दोबारा याद दिलाइएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा। फर्स्ट में आपको मालूम है हम नोटिस बोर्ड पे लगाए थे, तो यह शेयर करने का मसला नहीं है, लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो इफेक्टेड होगी। मैं चाहूंगा आप खुद करें। हाँ, उसमें कोई एक आध आपको समझना है तो वो तो मैं समझा सकता हूं, कोई एक अत पूछना हो तो वो जरूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। चैप्टर नंबर टू का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। चैप्टर नंबर टू जो है हाइड्रोजन का चैप्टर है, एक शॉर्ट चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर्स में मुकम्मल हो जाएगा। अगर मैं 3 कह रहा हूं तो आज का इंक्लूड कर लो तो नेक्स्ट 2 में हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्लासेस में चैप्टर 2 हमारा मुकम्मल हो जाएगा, एक शॉर्ट चैप्टर है। उस चैप्टर के कंटेंट्स को आज हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं उसको। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 का नाम है हाइड्रोजन। टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर के, कंटेंट्स क्या है? तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। बुक को रीड करने की भी आदत डालिए, क्योंकि बुक को पढ़ने से आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी तैयारी होती है। और बेटा बहुत कुछ याद करने वाला है इससे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में बहुत कुछ मेमोराइज करने वाला है, याद रखने वाला है। तो पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे आज, इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट कर लेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है,
आसान है। इसके बाद दो टॉपिक जरा डिटेल टॉपिक है, एक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ पीरियोडिक टेबल, डिटेल टॉपिक है, और तीसरा है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ये दो डिटेल टॉपिक है। इसके बाद एटॉमिक एंड नेसन हाइड्रोजन डेफिनेशन के साथ, इन दो की एटॉमिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, नेसन हाइड्रोजन किसे कहते हैं, और एक छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चन है। तो डिटेल टॉपिक जो है वो ये दो हैं, पोजीशन एंड बाइनरी कंपाउंड्स। फिफ्थ टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसे आपको सेल्फ स्टडी करना है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको बुक में से नोट से खुद प्रिपेयर करना है, पढ़ना है इसको। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, आइसोटोप के मीनिंग क्या है, आइसो मीन सेम और टॉप्स मीन पोजीशन, बट डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के स्पेसिफिक नेम है, बाकी एलिमेंट में नहीं है। फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर उसकी अक्रेंस की परसेंटेज बतानी है। तो यूं आप पढ़ोगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ में भी आएगा, आप याद कर लोगे। मैं अभी स्टार्ट करूंगा इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, फिर मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर बाइनरी कंपाउंड एटॉमिक एंड नेसन हाइड्रोजन के बाद तक आप पढ़ चुके होगे। आपसे क्वेश्चन ले लूंगा, अगर आपका कोई सवाल होगा तो समझा दूंगा, नहीं तो फिर हम चैप्टर नंबर 3 पे मूव कर जाएंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे बहुत कुछ कॉपी नहीं करना, समझना ज्यादा है, क्योंकि नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल मीन कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम जो मेथड यहां स्टडी करेंगे उनको हमने ऑर्डर किया हुआ है प्रोडक्ट की परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के बेस पे। पहला हम वो मेथड स्टडी करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्योर हाइड्रोजन गैस आप हासिल कर सकते हैं। तो फिर पहले हमने एक जनरल बात की, मेथड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एंड द प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हम यहां देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कंबाइंड स्टेट वाटर में से हाइड्रोजन को सेपरेट करना है। मेथड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर इटसेल्फ इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इटसेल्फ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पानी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड, बेस या सॉल्ट ऐड करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और एन अल्कली, या सॉल्ट डालते हैं, लेकिन बहुत बहुत ही कम सा। इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोजन गैस पे रिलीज होगी एट द कैथोड। ये इंडस्ट्री नहीं है, ये टॉपिक जो है इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री में सेल डायग्राम, वर्किंग ऑफ द सेल डिटेल होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सवाल नहीं आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर पे आप नोट लिखें, ऐसा नहीं है कि आपने ये रटना है सारा। जब एक चैप्टर एंड हो जाए ना, तो 10 इयर्स के अंदर आप तमाम सवाल देखें कि सारे सवाल जो एग्जाम में आए उनको आंसर करने के काबिल हो गए, ये जरूर देखा करें। तो मोड ऑफ क्वेश्चन का अंदाजा होता है कि पेपर में सवाल क्या बनता है। तो यहां पे इक्वेशन से प्रोसेस को समझाना है, इक्वेशन के जरिए जो इक्वेशन के अंदर रिएक्टर प्रोडक्ट है, अगर वो इक्वेशन याद है तो आपको प्रोसेस पूरा समझा सकते हैं आप। तो यहां कह रहे हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज वेरी प्योर, बट प्रॉब्लम क्या है, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट। तो हमारे कंट्री में तो ये बहुत डिफिकल्ट है, जहां पे ये इजीली अवेलेबल है तो वहां ये प्रोसेस जो है फिजिबल है। अब देखेंगे हम, मैं ये कह रहा हूं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है और याद रखना है। अगर इक्वेशन याद है तो ये टॉपिक याद है। हम इस वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो आप इस इक्वेशन में
इस एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि आप इस प्रोसेस में क्या क्या रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो कैथोड नेगेटिव है वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है वहां से जो गैस के बबल्स बन रहे हैं वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ सेल डायग्राम देकर टॉपिक को बढ़ाना गैर जरूरी है, बस इस इक्वेशन से बात को समझ लेना कि वाटर एक लिक्विड है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमने फ्यू ड्रॉप ऑफ एन एसिड, एसिड नहीं है तो बेस, और ये दोनों नहीं है तो फिर सॉल्ट ऐड कर दें, लेकिन विद अ स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो फिर वाटर की जगह सॉल्यूट की इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, फिर सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो जब करंट पास करोगे तो कैथोड पे से जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है, और एनोड पे जो गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन। ये दोनों गैसेस मिक्सअप नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों सेपरेट इलेक्ट्रोड पे बन रही है, तो हमें यहाँ इश्यू नहीं है कि हाइड्रोजन बन रही है तो ऑक्सीजन कहीं कंबाइन ना हो जाए। नहीं, जिस इलेक्ट्रोड में से हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं है। ये भी मैंने बहुत टाइम दे दिया इसके ऊपर, इतनी डिटेल की यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, सेकेंड मेथड जो है ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है और समझने वाला है। मैंने टॉपिक समझाने के लिए, समझाने के अंदाज में हेडिंग ली हुई है, बुक में हेडिंग नहीं है। बुक भी अपने पास रखिएगा और हाइलाइटर भी लाजमी केमिस्ट्री क्लास में मौजूद होना चाहिए। बुक के अंदर ये हेडिंग नहीं है, मैंने ये हेडिंग कहां से ले ली? बुक का सेकेंड और थर्ड मेथड दोनों में चीजें कॉमन है, दोनों को मिलाकर ये हेडिंग बनाई मैंने। सेकेंड में हम वाटर गैस बना रहे हैं और थर्ड में भी वाटर गैस बना रहे हैं, और फिर वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करेंगे, तो थोड़ा डिटेल टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर में आपने जैसे करंट पास किया तो हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो गई। इन प्रोसेस में पहली स्टेप में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, तो सेकेंड और थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैंने कंबाइन किया क्योंकि दोनों में चीजें कॉमन है, इसलिए मैं एक साथ समझाने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले स्टेप में हम बनाएंगे वाटर गैस, वाटर गैस बनाएंगे। सो व्हाट इज द वाटर गैस, इसकी डेफिनेशन पहले समझेंगे हम। उस वाटर गैस में हाइड्रोजन मिक्सअप हुई हुई है, मिक्सर बना हुआ है, उस मिक्सर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, हाइड्रोजन को अलग कर देना है। तो वो कैसे करेंगे तो उसको भी समझाना होगा। फ्रॉम वाटर गैस, फर्स्ट व्हाट इज अ वाटर गैस, अ मिक्सर, नॉट अ कंपाउंड, अ मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो गैसेस अगर मिक्सअप हुई हुई है तो उसको वाटर गैस कहते हैं। अ मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड वाटर गैस। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसको तो बेटा नोट डाउन कर लें, कॉपी में लिख लें, या बुक मौजूद है बुक पे लिख लीजिए। एग्जाम में आता है व्हाट इज अ वाटर गैस, तो ये इसकी डेफिनेशन लिख देंगे आप। अब वाटर गैस प्रिपेयर करने के भी दो मेथड हैं। पहले को हम नाम दे रहे हैं स्टीम कोल प्रोसेस। स्टीम मीन वाटर, कोल मीन कार्बन, स्टीम और कार्बन के रिएक्शन से वाटर गैस बनेगी। स्टीम और कार्बन के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनेगी जरूर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मिक्सअप हुई हुई है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो प्रोडक्ट इज नॉट अ हाइड्रोजन, वो दोनों गैसेस आपस में डिफ्यूज है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट को क्या नाम दे रहे हैं, वाटर गैस कह रहे हैं। अब इस वाटर गैस में से आपको ये वाली गैस अलग करनी होगी। स्टीम कोल प्रोसेस को बॉश प्रोसेस भी कहते हैं। अब इक्वेशन से हम ये बात को डिस्कस करेंगे। स्टीम मीन वाटर, कोल मीन कार्बन जो कि सॉलिड है, एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिएक्शन होगा, और आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही कंटेनर के अंदर मिलेंगे, तो दोनों मिक्सअप हुई हुई हैं। इस प्रोडक्ट को, इस मिक्सर को हम क्या नाम दे रहे हैं, वाटर गैस।
ये हमने वाटर गैस बना ली है। एग्जाम में आएगा स्टीम कोल प्रोसेस, तो आपने सिर्फ यही वाला मेथड लेना है और वाटर गैस बनानी है। अब वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करना है, तो वो इसका पार्ट होगा। मैं हाइड्रोजन की सेपरेशन बाद में डिस्कस करूंगा। वाटर गैस बनने का एक और मेथड जो बुक का है वो मैं यहाँ कंबाइन करके समझाना जा रहा हूं। आपको सवाल जो आएगा आपने उसी का आंसर करना होगा। स्टीम कोल है तो फिर यहाँ पे स्टीम कोल से वाटर गैस बनानी है, स्टीम हाइड्रोकार्बन से ही बनानी है। सेकेंड मेथड जो है वो कहलाता है स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। यही वाटर गैस जो अभी बनाई, अब एक और मेथड से बनाएंगे, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, स्टीम मीन H2O। ये केमिकल रिएक्शन कंडीशंस बेटे साथ में याद करते हैं, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किस टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, तो ये साथ में याद करना होता है। तो स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, हमने स्टीम को रिएक्ट करवाया मीथेन से एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल। तो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दो गैसेस बन रही हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। मिक्सचर, पहले प्रोसेस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो 1:1 था, यहाँ क्या है 3:1 है। हाइड्रोजन गैस इस मिक्सचर में ज्यादा है, तो मिक्सचर में कंपोनेंट की रेशियो फिक्स नहीं होती है, तभी तो उसको मिक्सचर कहते हैं। तो ये भी क्या बन गया, वाटर गैस बन गई। अब एग्जाम में जो मेथड मेंशन होगा आपने उसी से वाटर गैस बनानी है, और फिर उसी वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करना है। अब हम अगली बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। वाटर गैस जब बन जाती है तो उससे हाइड्रोजन को कैसे अलग किया जाए। हाइड्रोजन को सेपरेट करना है फ्रॉम वाटर गैस, तो इसके भी टू मेथड्स हैं। तो हम फिर अगली हेडिंग डालते हैं, सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस। इंप्यूरिटी को अलग करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट प्यूरिफाई हो जाए, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए। सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट लिक्विफिकेशन, मुझे इन दोनों गैसेस को अलग करना है, तो इनमें पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है। नजर तो आ नहीं रही है दोनों गैसेस, किस पॉइंट ऑफ डिफरेंस से मैं अलग करूं। तो मैं ये कह रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट वाटर गैस रिमूव बाय टू डिफरेंट मेथड्स। तो पॉइंट ऑफ द डिफरेंस जो है वो इनका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन का लो बॉइलिंग पॉइंट है -252, -252 बहुत लो है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज -191, इसका हाई है, इसका लो है, -191। इस डिफरेंस से मैं जब लिक्विफिकेशन करूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पहले लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी। अब इसको लिक्विफाई कैसे करेंगे, ये कूलिंग कैसे करेंगे, तो हम लिक्विड एयर यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर है -200। लिक्विड एयर जब हम इस्तेमाल करेंगे, जिस कंटेनर में ये मिक्सर मौजूद है वहां हम गैस सर्कुलेट करवाएंगे, लिक्विड एयर जिसका टेम्परेचर -200, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई नहीं होगी, क्योंकि -200 टेम्परेचर दे रहे हैं और हाइड्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट है -252। तो इसलिए हाइड्रोजन कंडेंस नहीं होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बड़ा पोर्शन, 99%, मोर देन 99% लिक्विफाई होकर अलग हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन गैस रह जाएगी इसको फर्दर प्यूरिफाई रिफाइन करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रेसेस अंदर होंगे, उनको रिमूव जब करना होगा तो फिर अगले स्टेप में अंदर पहले लिक्विफाई करके कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दी। अब कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं तो उनको दूर करना है, कुछ लिटिल क्वांटिटी मौजूद है उसको दूर करना है। तो हम हाइड्रोजन गैस को कास्टिक सोडा में से गुजारते हैं, वो कास्टिक सोडा इसके अंदर पाई जाने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड को कैप्चर करेगा और हाइड्रोजन गैस फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, रिफाइन हो जाएगी। आइए अब इस बात को जो वर्बली समझाया मैंने इसको डिस्कस करते हैं। क्या मेथड ले रहे हैं हम, लिक्विफिकेशन का, बाय लिक्विफिकेशन।
तो ये मैंने कहा विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विड एयर, जिसका टेम्परेचर कितना है -200, कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स लिक्विड। वाई? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -191.5 है, और आपने कूलिंग इससे ज्यादा की हुई है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाएगा। एंड फ्री हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड। हाइड्रोजन गैस क्यों फ्री हो जाएगी? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम था, -252 है, हो गया सेपरेट कर दिया। वाइल ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंट इन हाइड्रोजन गैस, कुछ ना कुछ कार्बन मोनोक्साइड उस फ्री हाइड्रोजन गैस के अंदर भी पाई जाएगी। आर रिमूव्ड, कैसे रिमूव करेंगे? बाय पासिंग थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। उस हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट। जब मैं हाइड्रोजन गैस को गुजारूंगा एनएच में से, तो हाइड्रोजन गैस में पाई जाने वाली कार्बन मोनोक्साइड एनएच उसको एब्जॉर्ब करके सोडियम फॉर्मेट बना देगा। तो केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस का नहीं है, तो यहाँ इक्वेशन जो लिखूंगा वो जिसका रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस में ये कार्बन मोनोक्साइड जो पाई जा रही है ये वाली कार्बन मोनोक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोक्साइड ये लिक्विफाई हो गई है। इसका बहुत ही माइन्यूट सा अमाउंट जो हाइड्रोजन मौजूद था उसको भी रिमूव करना था। तो रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस जो है उसको जब हम पास करते हैं कास्टिक सोडा में, तो उसमें पाई जाने वाली कार्बन मोनोक्साइड एनएच के साथ केमिकल रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी बाहर। और हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन मोनोक्साइड थी वो एनएच के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। यू हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो हमने प्यूरिफाई कर ली, वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग कर लिया। ये फर्स्ट मेथड है लिक्विफिकेशन। मेंशन, अगर एग्जाम में मेथड मेंशन है तो आपको सिर्फ वही लिखना है, अगर नहीं है तो आपको दोनों लिखने हैं, दो मेथड पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। एक मैंने आपको समझा दिया, वाटर गैस किसी भी मेथड से बनाई जाए, स्टीम कोल प्रोसेस से तब भी आप ये सेपरेशन करोगे, स्टीम हाइड्रोकार्बन से तब भी आप सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन का एक और मेथड है वो बाय हीटिंग, ये बाय कूलिंग हो गया ना, आपने लिक्विफाई किया था। सेकंड मेथड जो है, आप इस वाटर गैस को फर्दर स्टीम से रिएक्ट करवा दें, वाटर गैस बनी आप इसको फर्दर स्टीम से रिएक्ट करवाएं, तो ये हमारा कहलाएगा बाय हीटिंग विद मोर स्टीम। इस मेथड को ही हमने नाम दिया कि आप वाटर गैस को फर्दर हीट करें विद मोर स्टीम। तो फिर क्या होगा, जब और स्टीम से रिएक्ट करवाओगे तो जो कार्बन मोनोक्साइड है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ऑन फर्दर हीटिंग विद मोर स्टीम कार्बन मोनोक्साइड कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस ही हैं तो मिक्सअप रहेंगी। ओके, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस, हम रिएक्ट करवा रहे हैं इसका स्टीम से। ये केमिकल रिएक्शन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, और यहाँ जो कैटलिस्ट है वो आयरन ऑक्साइड है। इस कंडीशन में वाटर गैस स्टीम से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का वाटर से केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो नो चेंज, हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं कर रहा है। इस कार्बन मोनोक्साइड को और ऑक्सीजन मिली तो वो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। एक और ऑक्सीजन का एटम ऐड कर दें, ये CO2 हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन गैस और मिल जाएगी। इस रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिल रहा है, और दोनों मिक्सअप हुई हुई है, अलग नहीं हुई अभी, पहले कार्बन मोनोक्साइड थी अब कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है वो। अब पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है, सॉल्युबिलिटी का है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वाटर सॉल्युबल गैस, हाइड्रोजन वाटर इन सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस से कार्बन डाइऑक्साइड को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। इस वाले मिक्सर को पास करें वाटर से अंडर हाई प्रेशर, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ये गैस पानी में डिजोल्व हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस फ्री ऑप्टेन हो जाएगी। ये सॉल्युबिलिटी का यहां अप्लाई क्यों नहीं किया था, बिकॉज बोथ आर वाटर इन सॉल्युबल। तो हमने एक और मेथड अडॉप्ट किया, हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सर थ्रू वाटर अंडर हाई प्रेशर।
प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है। मैं चाहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड सारी सॉल्युबल हो जाए, तो नॉर्मल प्रेशर पे तो डिसॉल्व हो रही है, आप प्रेशर हाई करते हैं तो मैक्सिमम डिसॉल्व देते हैं, वेयर बाय कार्बन डाइऑक्साइड विल डिसॉल्व इन वाटर एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होगी तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन नहीं कर रही है, इसलिए हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं है, हाइड्रोजन आपको फ्री ऑब्टेन हो जाएगी। यू कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके फ्री हाइड्रोजन गैस हमने हासिल कर ली। ये दो मेथड थे, स्टीम कोल, स्टीम हाइड्रोकार्बन, और डिटेल टॉपिक था। उम्मीद है कि इसको समझ लिया होगा आपने, नोट्स में से इसको याद कीजिएगा। ठीक है, मेरा लेक्चर है, मैं फिजिकल क्लास में भी यूं समझाता हूँ मिलाकर, और यहीं भी आपको मिलाकर समझा रहा हूँ। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि बुक का सीक्वेंस का फोर्थ होगा और मेरा थर्ड है, क्योंकि मैंने सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके टू की हेडिंग दी थी, इसलिए मैं अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग हेडिंग्स बना रहा हूं। अब मेरा थर्ड मेथड कौन सा होगा, अगेन फ्रॉम स्टीम। अब स्टीम को रिएक्ट किससे करवाएंगे, स्टीम को रिएक्ट करवाया कार्बन से, स्टीम को रिएक्ट करवाया था हाइड्रोकार्बन मीथेन से, अब मैं रिएक्ट करवा रहा हूं स्टीम को मिथानोल से, मिथाइल अल्कोहल। सो इट इज कॉल्ड स्टीम मिथानोल प्रोसेस। हम ये कह रहे हैं व्हेन स्टीम इज रिएक्टेड विद वेपर्स ऑफ मिथानोल एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, अब मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन, ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को तो अभी भी डिस्कस किया था, जिसका मतलब है कि ये रिएक्शन के रिजल्ट में फॉरन हाइड्रोजन गैस अलग हो नहीं हो जाएगी, बल्कि हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो रिएक्शन देखें, CH3OH इज अ मिथाइल अल्कोहल, इसका IUPAC नेम मिथानोल, ये वेपर्स फॉर्म में है और स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो कंडीशन क्या है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है टू गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दो गैसेस बनते हैं। हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है, तो अभी समझाया था सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस से आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर सॉल्युबल करके अलग कर लीजिए, जो अभी बात डिस्कस किए से वही बात यहां करेंगे। इस केमिकल रिएक्शन के बाद हम सॉल्युबिलिटी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग करवाएंगे, पासिंग द मिक्सर थ्रू वाटर अंडर हाई प्रेशर, वेयर बाय कार्बन डाइऑक्साइड विल डिसॉल्व एंड फ्री हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड। ये हमारा थर्ड मेथड हो गया, वैसे बुक का फोर्थ हो गया, बुक में सिक्स मेथड दिए हुए, तो फोर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। देखो यहां पे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 3 से, तो वो पूरा एक डिटेल टॉपिक होगा, या इक्वेशन से आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करना है। इक्वेशन, मैं ये केमिकल इक्वेशन को समझा रहा हूं, मैंने कोई सेल डायग्राम नहीं बनाया, मैंने कोई कंटेनर नहीं बताया। अब हमारे लास्ट टू जो है उनको भी मैं कंबाइन करके एक ही हेडिंग में लेके आऊंगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब दो मेथड है, एक है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में मीथेन, एंड थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। बुक में ये हेडिंग्स नहीं है, लेकिन मैंने हेडिंग बनाई है थर्मल डीकम्पोजिशन की, कि हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, हम डीकम्पोज कर रहे हैं बाय हीटिंग। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में मीथेन की मिसाल लीजिए, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन गैस डीकम्पोज होती है, कार्बन ब्लैक एंड हाइड्रोजन गैस, कार्बन ब्लैक एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए प्रोडक्ट की दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो यहाँ कोई नीड नहीं है कि आप ये कहें कि हाइड्रोजन गैस को कैसे अलग किया जाए, वो अलग ही है, वो मिक्सअप ही नहीं हुई है, एक गैस फॉर्म में है और एक सॉलिड है। ये सॉफ्ट कार्बन है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हम इसको काजल में, प्रिंटर इंक में, टायर्स में इसको कार्बन को यूज करते हैं, इसको कार्बन ब्लैक कहते हैं, इट्स अ सॉफ्ट कार्बन। इसके बाद थर्मल डीकम्पोजिशन का जो हमारा नेक्स्ट है वो फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया।
अगर हम अमोनिया गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो तो ये ब्रेकअप हो जाती है गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन अपने दोनों एलिमेंट्स कंपोनेंट में अलग हो जाती है। तो यू आप हाइड्रोजन गैस अमोनिया से भी हासिल कर सकते हैं बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये दो गैसेस हैं तो हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन दो का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती है क्योंकि -252 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। नाइट्रोजन को आप इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट -196 है, -196। बेटा एग्जाम में आपको सवाल के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा, ठीक है? मैंने कॉमन बातों को लेकर आपको समझा दिया। एग्जाम में स्टीम कोल अलग हेडिंग से आएगा, स्टीम हाइड्रोकार्बन अलग हेडिंग से आएगा। दो मेथड ऑफ सेपरेशन है, अगर मेंशन है कि ये मेथड बताना है लिक्विफिकेशन का तो आपने सिर्फ वही करना होगा, तो सवाल में मेंशन होगा, ठीक है? ओपन एंड क्वेश्चन नहीं होगा कि आप कंबाइन करके समझा दें, ऐसा नहीं होगा। चीजें कॉमन थी तो मैंने इसलिए इनको मिला के समझा दिया। सवाल में मेंशन हो, क्वेश्चन लिखा होगा, हाउ वुड यू प्रिपेयर हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम कोल प्रोसेस, तो अब वो क्लियर मेंशन है कि स्टीम कोल प्रोसेस से ही आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है। तो पहले बनाएंगे उससे वाटर गैस और फिर उस वाटर गैस से आपने हाइड्रोजन को अलग करना है। दोनों मेथड मेंशन करने हैं क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करें, तो दोनों करने हैं। हाँ, अगर आपको मेंशन किया जाए कि आप सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय दैट मेथड करेंगे तो फिर आपने वही करना होगा, ठीक है? ये नहीं आएगा सवाल राइट डाउन द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा सवाल नहीं है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि आपने ये मेथड यूज करना है और इससे आपने हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। यस बिल्कुल, ये लास्ट थर्मल डिकम्पोजिशन में ऐसे ही होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा इतना आसान टॉपिक है, इस पे सवाल नहीं बनेगा, ये इतना आसान है। हाँ, क्या बनेगा? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन या व्हाट हैपन, तो यही होगा कि मीथेन लिखी होगी और प्रोडक्ट आपने खुद लिखने होंगे। ये तो इतना आसान टॉपिक है, आप बुक उठा के देखिए, इसमें डिटेल ही नहीं है। तो इस पे कोई ऐसा सवाल बन नहीं सकता, सिर्फ ये इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आ सकती है कि मीथेन जब डिकम्पोज होती है तो क्या हासिल करते हैं, कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन आज तक एग्जाम में नहीं आई क्योंकि इसके अंदर इतना मैटर ही मौजूद नहीं है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके अंदर ये जस्ट एन इक्वेशन है। मैंने स्टार्ट में कह दिया कि ये टॉपिक जो है ये इक्वेशन को समझ कर आपने आंसर करना है। और कोई सवाल? और कोई सवाल है आपका? ओके बेटा, थर्मल डीकम्पोजिशन ये हमारा लास्ट हो गया। तो ये सिक्स मेथड्स हैं। इन दोनों प्रोसेस में एक ही बात कॉमन है कि आप एक कंपाउंड को डीकम्पोज कर रहे हैं बाय हीटिंग, इसलिए मैंने एक कॉमन हेडिंग डाल दी ताकि आपको एक और अंदाज समझा दिया कि इसकी ये हेडिंग बन सकती है। ये दोनों को अलग अलग पढ़े तो इनमें क्या चीज कॉमन थी, तो हमने उसको यू समझा। तो ये इस तरह हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। तो आप देखिए कि फोर टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने, फिफ्थ वन आपको खुद पढ़ना है, उसमें से एक हमने मुकम्मल कर लिया। अब जो सेकेंड और थर्ड जो है ये एक डिटेल टॉपिक है, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। डिस्कस द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अभी आज ही हमने एंड किया है तो इसको इजीली हम समझ सकते हैं। ये हाइड्रोजन जो है इसकी पोजिशन क्या जस्टिफाइड नहीं है, तो ये एक हमारा सवाल है। डिस्कस करो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ पीरियोडिक टेबल। हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है इट रिजेंबल्स विद एलिमेंट ऑफ 1a, 4a एंड 7a। हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज में मैच करता है तीन ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो आप इन तीन ग्रुप में से कहां प्लेस करोगे?
हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज में मैच करता है तीन ग्रुप के एलिमेंट से, और इन तीन ग्रुप के एलिमेंट से जब मैच करेगा तो चंद प्रॉपर्टीज के अंदर डिफर भी करेगा, तो हम कह रहे हैं एनी हाउ इट डिफर्स फ्रॉम दीज ग्रुप एज वेल लेट अस डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद दीज ग्रुप। ये हमारा सवाल होता है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज मिसफिट इन 1A। मिसफिट मीन डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद 1A आपको बतानी है, तो जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। तो हमें हर एक एक ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करना है सिमिलरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिसिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करना है तो पहले तो पोजीशन के बारे में समझें कि पोजीशन बनती कैसे है। आप किसी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन अलॉट करते हैं तो उसका बेस क्या होता है? पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल ये दो वजूहात से होता है। एक ग्रुप के अंदर जो तमाम एलिमेंट प्लेस किए जाते हैं उसके क्या सबब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा पार्ट, पूरी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं होती ना उनकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हिस्सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैं कहता हूं कि कोर वैल्यू है किसी भी एलिमेंट का एक ग्रुप के अंदर आना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबब बनता है उसको प्लेस करना उस ग्रुप के अंदर। मैं हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से प्रूफ करूंगा उसको 1A में होना चाहिए, मैं हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से प्रूफ करूंगा वो 4A में भी होगा, मैं हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये भी साबित कर दूंगा कि उसको तो 1A और 4A में नहीं वो तो 7A में भी हो सकता है। तो पहली चीज होगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम उसको फर्दर और कंफर्म करेंगे पोजीशन को, किस वजह से? प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल में चंद एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से प्लेस नहीं हो रहे हैं बल्कि प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहे हैं। वेल नोन इज अ हीलियम। हीलियम जिस ग्रुप में है उस ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6 नोबल गैसेस की, और हीलियम की ये नहीं है। सो हीलियम अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से है, तो हम जो पॉइंट नंबर 2 कह लेंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से हम कहेंगे कि हाइड्रोजन को इस ग्रुप में होना चाहिए। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये दो पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट नंबर 1 होगा, ये मस्ट है, और फिर बाकी तमाम पॉइंट्स जो होंगे पोजीशन को जस्टिफाई करने वाले वो प्रॉपर्टीज होंगी। हम प्रॉपर्टीज से कहेंगे कि इसको होना चाहिए और प्रॉपर्टीज के बेस पे कहेंगे कि मैच नहीं करती तो ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया टॉपिक का। अब हम आते हैं, हेडिंग ये होती है रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A। सबसे पहले हम इस वाले ग्रुप से डिस्कस करते हैं, फिर 4A से करेंगे, फिर 7A से करेंगे, फिर हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे। अब टाइम इतना नहीं है तो पूरा टॉपिक तो आज मुकम्मल नहीं होगा, तो 1A को हम मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे एंड करोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको पता है कि यहाँ से कंटिन्यू करना है, 4A और 7A को डिस्कस करेंगे, और साथ में नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए टाइम कम है, हम इसको जरा मुकम्मल करें। रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स, तो फर्स्ट रिलेशन कौन सा है? सिमिलरिटीज का होगा। ये पूरा एक डिटेल क्वेश्चन भी आता है, बहुत मैटर है, बहुत कुछ लिखना होता है इसमें, और स्पेसिफिक सिर्फ सिमिलरिटीज भी आ सकती है, किसी एक ग्रुप में आ सकती है, किसी दो की भी आ सकती है सिमिलरिटीज ओनली, तो वहां डिसिमिलरिटीज का आपको आंसर नहीं करना है, जो सवाल है उतना ही आंसर करना होगा। हाइड्रोजन के रिलेशन में सबसे पहले हम हाइड्रोजन और अल्कली मेटल की सिमिलरिटीज पे बात करते हैं। तो सिमिलरिटी में पॉइंट नंबर 1 कौन सा लूंगा मैं? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने सब हेडिंग डाला और मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है।
क्या हम कह रहे हैं, हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल बोथ हैव सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 मैच करती है इससे। देखिए अल्कली मेटल्स आप जानते हैं ना कौन है, सोडियम इज एन अल्कली मेटल। सोडियम की वैलेंस शेल लिख रहा हूं, आपको अब कॉन्सेप्ट है कि कोर इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा, सिर्फ वैलेंस लिख रहा हूं, क्या होगा 3s1 होगा। सोडियम के ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे होंगे, सोडियम के बाद का जो एलिमेंट होगा उसकी वैलेंस शेल क्या होगी, 4s1 होनी चाहिए। सोडियम से ऊपर का एलिमेंट है वो क्या होगा, 2s1। 2s1 से ऊपर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1s1। तो सोडियम से ऊपर कौन है, लिथियम, और लिथियम के ऊपर कौन आना चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन के मैच होने पे देखिए 1s1 टॉप पे होना चाहिए, तो 1s1 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। सोडियम के बाद का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस ये होना चाहिए, तो ये किसका है, ये पोटेशियम का है। तो यूं अल्कली मेटल के टॉप पे हमें नजर आ रहा है कौन हो सकता है, हाइड्रोजन को होना चाहिए। तो ये हम कह रहे हैं हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल बोथ हैव सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, NS1 ग्रुप 1A की भी है और हाइड्रोजन भी इससे मैच करता है। मैंने लिख के भी समझा दिया और ये बात हमने की है, अब प्रूफ दे रहे हैं, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। अगर 2s1 होगा तो लिथियम, 3s1 होगा तो क्या होगा, सोडियम। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एम पॉजिटिव आइंस। अल्कली मेटल्स जो आइंस बनाते हैं वो एम पॉजिटिव है, सोडियम का आयन क्या है, Na पॉजिटिव, लिथियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं, एम यूनि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, चार्ज क्या आता है, +1। हाइड्रोजन भी एच पॉजिटिव आयन, आप जानते हैं एसिड में एच पॉजिटिव आयन होता है, जिस तरह अल्कली मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो हाइड्रोजन भी वैसे आयन बनाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में हम कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एम पॉजिटिव आयन, लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन आल्सो टेंड्स टू लूज इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द यूनि पॉजिटिव आयन। एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है एच पॉजिटिव आयन, सोडियम का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम पॉजिटिव आयन। तो ये बात भी ग्रुप 1A और हाइड्रोजन के अंदर कॉमन है, तो हम कहते हैं प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, तो हाइड्रोजन को इसी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, और अल्कली मेटल की वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका भी क्या है, एक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनि पॉजिटिव कैटायन, जो अभी पॉइंट नंबर 2 में देख के आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल बोथ शो अ वैलेंसी ऑफ 1 रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब केमिकल बिहेवियर पे आ जाओ, हाइड्रोजन अगर हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl। मैं हाइड्रोजन की जगह कोई अल्कली मेटल ले आऊं, पोटेशियम ले आऊं, क्या पोटेशियम भी कंपाउंड बनाता है, यस, वही रेशियो है 1:1 वाली। अगर मैं यहां सोडियम ले आऊं तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, अल्कली मेटल भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो यह है रिएक्शन विद नॉन मेटल, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। तो हम यहां कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, उनकी बात करें, बोथ हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल, बोथ कंबाइन विद हैलोजन्स टू फॉर्म हैलाइड्स। दोनों हैलोजन से रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये देखिए कौन है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड, इसलिए हमने हैलाइड का वर्ड यूज किया हुआ है। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट, फिफ्थ पॉइंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट। हम कहते हैं जस्ट लाइक अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात अभी मैंने वहां पे पीरियोडिसिटी में प्रॉपर्टी में लिखवाई थी, अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में इक्वेशन शो करेंगे, मिसाल के तौर पर देखिए,
ये एक मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। सोडियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी ऑक्सीजन को कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर से ऑक्सीजन निकाल दी तो कॉपर रिड्यूस हो गया। तो कॉपर को रिड्यूस करने वाला कौन है? सोडियम है। अगर यहां मैं हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल कर दूं सोडियम की जगह, सेम रिएक्शन हो जाएगा। तो आप यहां देखिए आगे इसके, कि ये मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सेम देखिए, वही हो रहा है ना, कि जैसे सोडियम ने किया था वैसे क्या किया, हाइड्रोजन ने भी किया। तो हमने कहा जस्ट लाइक अल्कली मेटल, हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन फाइव प्रॉपर्टीज, जिसमें कॉन्फिगरेशन भी इंक्लूडेड है। हम कहते हैं हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के टॉप पे प्लेस करना चाहिए, तो पोजीशन पोजीशन जस्टिफाइड हो रही है। नहीं अभी रुके, अब हम डिससिमिलरिटीज के बाद बात करेंगे। क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मैच नहीं करती हैं, जिसकी वजह से लगता है कि ये तो प्रॉपर्टी में मैच ही नहीं कर रहा है? चंद प्रॉपर्टीज मैच होती नजर आ गई हमें। अब हम बात करेंगे डिससिमिलरिटीज की अमंग हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। ओके, फर्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। आपको मालूम है मेंडलीव ने जो ग्रुपिंग की थी वो ऑक्साइड की बेस पे की थी। देखो ऑक्साइड का फार्मूला दोनों का सेम है, ये H2 है तो Na2 है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सेम आ रहा है, बट ऑक्साइड की नेचर डिफरेंट है। ये ऑक्साइड जो है ये अल्कली ऑक्साइड है, ये बेसिक है, और वाटर इज अ न्यूट्रल। ऑक्साइड की फॉर्मेशन, ऑक्साइड में रेशियो सेम है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है कि ये तो अल्कली ऑक्साइड है और ये कौन है? ये अल्कली नहीं, ये तो न्यूट्रल है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड का पहला डिफरेंस हमें नजर आया। हम कह रहे हैं ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल, व्हाइल द ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक। पॉइंट नंबर टू, आयनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मान लिया इस बात को, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। उसकी आईपी वैल्यू देखो तो वो हाई वैल्यू है, और अल्कली मेटल्स की सेम ऑर्डर की होगी। जरा मैं वैल्यू भी दिखाऊंगा आपको। द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। तो वैल्यू सामने रखो तो अंदाजा हो जाएगा। हाइड्रोजन की आईपी की वैल्यू कितनी है? 13.54, जो ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स देखें सबसे ज्यादा है, और ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट की वैल्यू सबकी देखें आपको लो नजर आएगी। 5.3, 5.1, 4.3, 4.2, 3.9, ये सेम ऑर्डर की वैल्यूज हैं। अगर हाइड्रोजन इस ग्रुप का एलिमेंट है तो 5.3 की जगह क्या होता? 5.5 हो जाता। 5.8 ले लेते हम उसको, 13.54 हाईएस्ट से तो 2 टाइम ज्यादा है, डबल वैल्यू है। लेकिन आप इनकी आईपी देखिए, इन सब की आईपी वैल्यू क्या है? सेम ऑर्डर की है, सेम नहीं हो सकती। सेम होने में क्या होता है? सेम होने में तो क्या नाम है, वो तो एलिमेंट ही हो जाएगा, तो इसलिए सेम नहीं कहते, सेम ऑर्डर कहते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, एक मेजर डिफरेंस, क्या अल्कली मेटल गैसेस है? नो, ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट मेटल सॉलिड, और हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन तो एक डायटॉमिक गैस है, सोडियम इज नॉट अ डायटॉमिक। तो फिजिकल अपीयरेंस का कितना बड़ा डिफरेंस है कि कैसे रखेंगे आप उसके अंदर? हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल डायटॉमिक गैस, बट ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। पॉइंट नंबर फोर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी एक अहम प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कोर प्रॉपर्टीज होती हैं कि बाकी चीजें इन पे बेस कर रही होती हैं। इट इज द पावर ऑफ द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, तो इसलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की नेचर से डिफरेंट है। अब ये बोलो कि हाइड्रोजन नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन टू। तमाम एलिमेंट्स को उठा के देखिए, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से ज्यादा है वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जिनकी 2 से लेस होती है वो मेटल्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैं आपको शो करता हूं। हाइड्रोजन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेयर एज अल्कली मेटल्स ऑल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन कितनी है? 2.1, डबल है ना लिथियम से, डबल। लिथियम 1 और इसके नियर बाय 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, अगर यूं चलते हैं। सीजियम की 0.7 है, तो रुबिडियम 0.8, पोटेशियम उसके इक्वल 0.8,
सोडियम 0.9, लिथियम 1, तो टॉप को क्या होना चाहिए, 1.1 होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है ये इस ग्रुप के टॉप पे प्लेस होने के काबिल नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही है। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया डिसबिलिटीज का, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन मिसफिट है इसमें। जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से कम होती है वो सारे मेटल्स होते हैं, देखिए सब मेटल्स हैं क्योंकि 2 से लेस है। लास्ट नेचर ऑफ द बॉन्ड, यहां देखिए HCl लिखा हुआ नजर आ रहा है और NaCl, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन है, तो नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या है, H2O Na2O, नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से मिलता है तो वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, और जब अल्कली मेटल्स मिलते जरूर हैं, मिले दोनों हैं, हालाइड्स दोनों ने बनाए, बट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है, ये कोवलेंट हालाइड है और ये आयोनिक बना रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं नेचर ऑफ द बॉन्ड का डिफरेंस है। हाइड्रोजन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद हैलोजन्स, वेयर एज अल्कली मेटल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। HCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड, NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, आज बस इतना करना है, अब टाइम भी हमारा एंड हो गया क्लास का, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, इसका रिवीजन करके आएगा, ये टेस्ट में इंक्लूड नहीं है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 सिर्फ आएगा टेस्ट के अंदर। कोई सवाल है तो मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात अगर पूछने वाली है यस पूछ सकते हैं आप मुझसे। बिल्कुल बेटा, शाम की क्लासेस अपनी जगह पे है, सिर्फ केमिस्ट्री मॉर्निंग में कर दी हमने, सिर्फ केमिस्ट्री क्लास मॉर्निंग में हुआ करेगी, और हम आपको जरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज बेटा जरूर दिखा करें, जहां कोई चेंज आएगा जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। यस, ट्यूसडे का जो पेपर है वो कोचिंग में आना है, एसओपी को फॉलो करना है, मास्क वेयर करना है आपको, ठीक है, डिस्टेंस पे हम आपको बढ़ा देंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है बेटा, बगैर थ्योरी के दिए नहीं हो सकता है। मैं आपको पेपर दे दूं कि घर में बैठे खुद सॉल्व कर दो, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, एग्जामिनेशन फियर होना चाहिए। यस, केमिस्ट्री आज शाम में ऑफ है, केमिस्ट्री ऑफ है, उसके पैरल जो भी क्लास है वो होगी, आज टर्न किसका है वो देख लीजिए। यस, बायोलॉजी होगी आपके, ऑफकोर्स आपके मैथ्स होते नहीं है, आप प्री मेडिकल स्टूडेंट है तो आपकी बायोलॉजी क्लास तो अपनी जगह पे होगी, सिर्फ केमिस्ट्री मॉर्निंग पे हुई है आपकी। ठीक है, ट्यूसडे के बेटा टाइमिंग भी मैंने शेयर किया आपसे कि किस टाइम पे आ रहे हैं, टाइम की बिल्कुल पाबंदी कीजिएगा, और फिर ज्यादा देर कोचिंग में बैठना नहीं है, वेट नहीं करना है, अगर मालूम है कि बहुत डिस्टर्बेंस है, नहीं चाह रहे हैं कि फिजिकली लोगों को बुलाएं और उनको पढ़ाएं, बेटा गर्क हुआ हुआ है सब चीजों का, जहां तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है फिजिकली आकर टेस्ट देने की, बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पेपर, मैं क्वेश्चन पेपर आपको घर में दे दूं कि भाई आधे घंटे में सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दो, वो उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं बनती है। 15 से बेटा फिजिकल क्लासेस का कह रहे हैं, अगर वो फिजिकल क्लासेस अगर हमें अलाउ कर देंगे तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और अगर वो बिल्कुल दोबारा बंद कर देते हैं तो ये बेटा मैं आपको बताऊं कि बेवकूफ मत बनिए, धोखा मत लीजिए, ये बेस्ट मीडियम है पढ़ाने का आपकी एज ग्रुप के लिए, मैं प्री प्राइमरी की बात नहीं करता हूँ, उस बच्चे के लिए तो टीचर का फिजिकली होना बहुत जरूरी है, आपके लिए तो ये बेस्ट मीडियम है। ऑनलाइन क्लासेस में कहता हूँ कि ये फिजिकल से ज्यादा वैल्यूएबल है, आपके एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपको कहना में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिजिकली आप एक हफ्ते में एक दफा, महीने में दफा आए, लेकिन ये बेस्ट मीडियम है ऑनलाइन पढ़ाने का। टू एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल होती है सेम, अब जिनकी सेम होती है तो उनकी फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी उस इलेक्ट्रोनिटी से मैच कर रही होती हैं। डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट की बेटा इलेक्ट्रोनिटी भी सेम होती है, आप जब पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा। ओके, कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो बेटा एडमिन फोन करते हैं, सर सोहेल अहमद आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, आपको आईटी का इशू आता है तो सर एहसान होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, और मैं भी अमूमन वहीं कोचिंग मौजूद होता हूँ आपके हेल्प करने के लिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।